हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया वीडियो, जो कि है एक गोल्ड फेशियल वीडियो। ये है जॉय की गोल्ड फेशियल किट, मिनी किट। इसमें 5 स्टेप्स हैं। चलिए इसका शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ आपको। ये एक छोटू सी किट है जो कि सिर्फ 75 रुपीज़ की आई है, एंड इसमें 5 स्टेप्स में आपको फेशियल करना है। एंड येस, इट इज़ क्लेमिंग दैट इट विल रिजुविनेट योर स्किन इन 1 यूज़, मतलब एक ही यूज़ में आपको काफ़ी अच्छा फ़र्क नज़र आएगा। एंड इसकी बैक पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा यू नो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट पहले यूज़ करना है। एंड यहाँ पर मैं इसे अगर ओपन कर रही हूँ तो आप देखिए, ये इस तरह के छोटे छोटे से 5 पाउचेज हैं। एंड स्टेप नंबर 1 है क्लिनजर, स्टेप नंबर 2 है स्क्रब, स्टेप नंबर 3 है मसाजिंग क्रीम, स्टेप नंबर 4 है मसाजिंग ग्लो जेल, एंड स्टेप नंबर 5 है फेस पैक। तो चलिए यूज़ करते हैं। सो स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने हाथ में ले रही हूँ क्लिनजर, एंड ये देखिए इसमें कितने सुंदर गोल्ड पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। एंड इसे मैं अपने फेस पर जेंटली अप्लाई कर लूँगी, अच्छी तरह से मसाज करूँगी। सो इट्स अ जेल फेस वॉश, एंड मैं अब इसे वॉश कर लूँगी। सो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है स्क्रब। तो इसे इस तरह से हम मसाज करेंगे। ओके, तो गोल्ड फेशियल में जो गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं वो आपको सारे ही प्रोडक्ट्स में मिलेगा, मतलब स्क्रब में भी मिलेगा, फेस वॉश में भी मिलेगा। तो इसे काफ़ी जेंटली मसाज करना है। काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, काफ़ी टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं चुभ रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फेशियल बताया है, एंड आप इसे ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी हद तक यूज़फुल हो गई है। सो अब मैंने अपने फेस को दोबारा वॉश कर लिया है। अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है मसाज क्रीम। सो ये सबसे मेन स्टेप होता है आपके पूरे फेशियल का। इसे मैं अपने पहले पूरे फेस में अप्लाई करके यूँ ही मसाज करूँगी, एंड उसके बाद में मैं इसे थोड़ा सा वेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ रोज़ वाटर, एंड देन मसाज करूँगी। सो मैं अभी यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ। सो एंजॉय द फेशियल स्टेप्स गाइस। सो गाइस, सारे स्टेप्स फिनिश हो चुके हैं, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। सो अब मैं इसे एक ड्राई कॉटन से पोंछ ले रही हूँ सारी क्रीम को, एंड देन स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फेस जेल। एंड इसमें आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा गोल्ड पार्टिकल्स है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोई लग रही है मेरी स्किन, बिल्कुल सोने की तरह चमक रही है मेरे चेहरे पर। इसे भी जेंटली पहले आपको जेल को एब्जॉर्ब कराना है अपनी स्किन में, एंड देन उसके बाद में थोड़ा सा रोज़ वाटर लेके हल्की सी मसाज और करनी है, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। एंड ये आपके फेस को काफ़ी प्यारा ग्लो देगा। तो इसे हम लगा हुआ ऐसे ही छोड़ देंगे, एंड स्टेप नंबर 5 करेंगे, जो कि है फेस पैक। एंड इसे हम थोड़ा सा रोज़ वाटर के साथ में मिक्स करके लगाएंगे, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन हो जाए। एंड हमारी फेस को यू नो टाइटनिंग इफेक्ट देता है फेस पैक, एंड ये सबसे लास्ट स्टेप होता है, ताकि हमने जो भी क्लींजिंग अपने फेस में की है उसके बाद में हमारे जो पोर्स हैं वो क्लोज जाएं। एंड इस तरह से मैं अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर ले रही हूँ, नेक पर भी बिल्कुल भी नहीं भूलना है, नेक पर भी अप्लाई कर ले रही हूँ मैं। एंड इसके बाद 10 मिनट वेट करेंगे, एंड ये मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, एंड लुक एट द ग्लो गाइज।
एंड लास्ट स्टेप है हमारे फेस को मॉइस्चराइज़ करना, तो मैं यूज़ करी हूँ जॉय का एलमंड हनी मॉइस्चराइज़र। अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आप देख सकते हैं कि कितने प्यारी लग रही है मेरी स्किन। गाइस इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, होपफुली आपको मेरा ये छोटू सा एफर्ट पसंद आया होगा। एंड मुझे तो ये क्रीम बहुत ही मज़ेदार लगी, सस्ता भी है एंड बहुत इफ़ेक्टिव भी है। एंड दिस इज़ हाउ माई स्किन इज़ ग्लोइंग गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।